नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर गति वाले टॉपिक की चर्चा कर रहे थे और गति के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर गति की समीकरणें और आपके पास गति की समीकरणें पूरी कर ली थी और हम गति के नियम के अंदर थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अपन ने गति की समीकरणों से संबंधित, और आज हमें गति के नियम पढ़ने। तो पिछली क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो आपके पास गति के नियम से स्टार्ट था, तो आज भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक जो था हमारा वो था गति के नियम। तो गति के नियम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन फ्रेंड्स। गति के नियम अंग्रेजी के अंदर है ये लॉज ऑफ मोशन। गति के नियम लॉज ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सबसे पहले गति के कितने नियम होते हैं। तो आप बोलोगे गति के तीन नियम होते हैं। बिल्कुल, गति के तीन नियम होते हैं। और इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था सर आइजेक न्यूटन। बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, आप सभी को पता होगा सर आइजेक न्यूटन आपके पास गति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन ने सन 1687 के अंदर कौन सी पुस्तक के अंदर, एक पुस्तक का नाम बताया था मैंने आपको, पुस्तक का नाम था मैथा मेटामिया प्रिंसिपिया। तो मैथा मेटामिया प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंदर किसने, न्यूटन ने सन 1687 के अंदर गति के तीन नियम प्रकाशित किए थे। इस प्रिंसिपिया वर्ड को आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपिया उस पुस्तक का नाम है जिसके अंदर सन 1687 के अंदर न्यूटन ने गति के तीन नियमों के बारे में बताया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है गति के तीनों नियम अपन को पढ़ने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में बताया था। अब इसी के बाद में अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं आगे, और आगे के लिए आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो आता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम पढ़ेंगे हम सबसे पहले, लॉ ऑफ इनर्शिया। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अपन पढ़ेंगे अभी आगे, प्रथम नियम के अंदर न्यूटन ने क्या बोला था, उससे पहले अपन को ये पढ़ना जरूरी है जड़त्व का नियम। सबसे पहली बात, किसने दिया था ये जड़त्व का नियम? तो जड़त्व का नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो। कौन था आपके पास? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जड़त्व का नियम सबसे पहले दिया था। तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। आखिर ये जड़त्व का नियम होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला था गैलीलियो ने, यदि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। ये किसने बोला था आपके पास? ये बोला था गैलीलियो ने, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। यानी जड़त्व का नियम क्या कहता है कि हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ये कौन, किसने बोला था? ये आपके पास गैलीलियो ने बोला था। और ये ही जड़त्व का नियम होता है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, ये जड़त्व का नियम होता है। किस वैज्ञानिक ने दिया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसके संदर्भ में हमें आगे पढ़ना है कि देखो, ये तो अपनी हर बॉडी का गुण है भाई, कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। अगर मान लो आप ये ऑनलाइन कक्षा की वीडियो देख रहे हो, तो आप जब तक ये वीडियो अंत नहीं हो जाएगी तो आप इसको देखना चाहोगे, आप अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करोगे? विरोध करोगे, अगर आपको कोई बाहर से छेड़ने आएगा तो। इसी प्रकार मान लो टीवी पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो जब तक आपका मैच खत्म नहीं हो जाता,
क्या आप वहां से उठना चाहोगे, क्या नहीं उठना चाहोगे। तो यानी अगर आपको कोई आके छेड़ेगा भी शरीर, तो आप अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करोगे, विरोध करोगे। तो ये हर वस्तु का गुण होता है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, और यही गुण आपका जड़त्व का गुण कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का गुण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, उसको अपन जड़त्व का गुण बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जड़त्व के गुण के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो जड़त्व का गुण होता है वो किसकी माप है। एक फेमस क्वेश्चन होता है कि जड़त्व का गुण किसकी माप है, तो आपको ध्यान रखना है, जड़त्व का गुण वस्तु के द्रव्यमान की माप होता है। जड़त्व का गुण वस्तु के द्रव्यमान की माप होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और ये माप है का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जड़त्व का गुण वस्तु के किस गुण पे निर्भर करता है। ये फेमस क्वेश्चन है, इनर्शिया इज अ वर्च्यू ऑफ मास, यानी द्रव्यमान पे निर्भर करता है। कैसे, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी उतना अच्छा करेगी, यानी जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा। लेट से अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, मान लो कि एक छोटी सी वस्तु है, मान लो एक 1 किलो की वस्तु है, आप उसको धक्का मारते हो, वो आसानी से खिसक जाती है। क्यों भाई, क्योंकि उसका जड़त्व का गुण कम होता है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कम करती है। लेकिन अगर मैं उसी की जगह एक 400 किलो का पत्थर लाके रखूं, क्या मैं उसको इतनी आसानी से धक्का दे पाऊंगा, क्या नहीं दे पाऊंगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो भारी वस्तु है 400 किलो वाली, उसका द्रव्यमान क्या है, उसका मास ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से उसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है यानी जड़त्व का गुण है वो क्या है, ज्यादा है। और जड़त्व का गुण ज्यादा होने से वस्तु स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी क्या करती है, ज्यादा करती है। तो इसीलिए अपन को ध्यान रखना है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा। इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्तु का जड़त्व उसके किसकी माप होता है, तो वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान की माप होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज की अपन चर्चा करते हैं, ये आपका जड़त्व का नियम होता है। क्या होता है, कोई भी वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अब इसी के बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन की गति का पहला नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन ने क्या किया था, ये जो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था ना, उसी से पूरा का पूरा नियम चुरा लिया न्यूटन ने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। सिर्फ जो आपके पास न्यूटन ने, गैलीलियो ने नियम दिया था, उसी को पूरा चुरा के रिफॉर्म कर दिया। कैसे, न्यूटन ने आपने पास जड़त्व के नियम में क्या बोला गया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। वैसे ही आपके पास जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन ने भी यही किया। न्यूटन ने सिर्फ इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी, क्या बोला, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो इतना सा वर्ड उसने जोड़ा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तब तक उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हमें ही पता है। अरे अगर आप मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो घर पे बैठ के, जब तक आपको कोई बाहर से छेड़ने वाला नहीं आएगा, क्या आप अपनी स्थिति में परिवर्तन करोगे, क्या नहीं करोगे। और उस अगर आपको छेड़ने वाला आता है और आपकी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उस चीज को न्यूटन ने क्या नाम दिया, उस चीज को न्यूटन ने नाम दिया बाह्य बल। तो उस छेड़ने वाली चीज को न्यूटन ने क्या नाम दे दिया, बाह्य बल नाम दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स का नाम दे दिया। तो ये बाह्य बल नाम किसने दिया था आपके पास, बाह्य बल नाम दिया था न्यूटन ने आपके पास। तो बल शब्द की अभिधारणा यानी फोर्स वर्ड सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, फोर्स वर्ड बल वर्ड सबसे पहले दिया गया था न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आपको किस नियम से मिलती है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलती है। कैसे, जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है वो गतिशील अवस्था में रहेगी,
कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। अगर आप उसके साथ बाहर से कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे तो उस वस्तु के अंदर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपको वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? उसके ऊपर आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने आपको बताई थी। चलिए, तो सबसे पहले बाह्य बल के बारे में बताने वाला कौन था? न्यूटन था। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे हर एग्जाम के अंदर। तो ये आपका प्रथम नियम हो गया। अब प्रथम नियम से संबंधित एग्जाम्पल्स क्या है आपको वो ध्यान रखने। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पहला एग्जाम्पल है आपके पास, मान लो आप बस के अंदर बैठे हो, किसी गाड़ी के अंदर बैठे हो और स्थिर अवस्था के अंदर हो बिल्कुल, और अचानक से बस को स्टार्ट कर दिया जाए तो बताओ आपको किधर की ओर झटका लगेगा? आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा। आप मान लो नई नई गाड़ी चलाना सीखे होंगे, बाइक, अचानक से क्लच छूटता है, आपको किधर की ओर झटका लगता है? पीछे की ओर झटका लगता है। किस नियम पर आधारित है ये? प्रथम नियम पर आधारित है। क्यों? जब तक आप उस गाड़ी के ऊपर बैठे थे और वस्तु रुकी हुई थी, गाड़ी रुकी हुई थी, आप किस अवस्था में थे? स्थिर अवस्था में थे। जैसे ही आपने क्या किया, मान लो बस के ड्राइवर ने गाड़ी अचानक से स्टार्ट करके आगे ले गया, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य बल लगाया गया है, और बाह्य बल लगाने के कारण आपको किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। किस नियम पे आधारित हो गया ये? प्रथम नियम पे। अब देखो, इसी कारण, इसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा ट्रेन जो होती है उसको शुरू में धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है। अगर मान लो ट्रेन को शुरू में अचानक से भगा के स्टार्ट कर दे तो क्या सारे यात्रियों को झटका लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। ट्रेन को शुरुआत में धीमे धीमे स्टार्ट किया जाता है, ये किस नियम पे आधारित है? ये आपके पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आधारित है, न्यूटन के फर्स्ट नियम पे आधारित है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति को क्या लगेगा? तो व्यक्ति को झटका लगेगा। तो इसीलिए आपके इसको बचाने के लिए ही क्या करा गया, इस नियम को ध्यान में रख के गाड़ी को धीरे धीरे स्टार्ट किया गया। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो उसी बस के अंदर एक आदमी बैठा है, बस चल रही है गतिशील अवस्था में, अगर अचानक से ब्रेक लगा दिए जाए तो बताओ व्यक्ति को किधर की ओर झटका लगेगा? अगर अचानक से ब्रेक लगा दे तो व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगेगा। उससे क्या होगा? अरे भाई देखो, जब व्यक्ति उस बस के अंदर बैठा था, बस चल रही है, बस वस्तु भी यानी व्यक्ति भी उसके साथ में गतिशील है, बाहर से कोई देख रहा है उस व्यक्ति को तो उसके सापेक्ष तो वो गतिशील है, वो चल रहा है, धीरे धीरे गति कर रहा है। तो अगर अचानक से ब्रेक लगा दोगे, अचानक से बाह्य बल लगा दोगे तो व्यक्ति किधर की ओर आएगा? आगे की ओर आएगा। तो बताओ पहला नियम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बाह्य बल लगाओगे वस्तु की स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। तो ये किस नियम पे आधारित हो जाएगा? प्रथम नियम पे आधारित हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बस के अंदर बैठा है और अचानक से अगर अपन गाड़ी स्टार्ट कर दें या बस को स्टार्ट कर दें तो व्यक्ति को किधर की ओर झटका लगता है? तो व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है। और इसी को अपन न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलते हैं। तो दो एग्जांपल बताए मैंने आपको, अगर व्यक्ति बस के अंदर बैठा है और अचानक से स्टार्ट कर दे गाड़ी तो उसको पीछे की ओर झटका लगता है, चलती हुई बस के अंदर बैठा है और अचानक से गाड़ी को अपन ब्रेक लगा दें तो उसको किधर की ओर झटका लगता है? उसको आगे की ओर झटका लगता है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो दिवाली के अंदर या जब भी शादी वगैरह होती है तो आपने कपड़े वगैरह धोले हो या फिर मान लो कंबल वगैरह झड़काई हो, तो कैसे झड़काते हैं? अपन जो गुदड़े होते हैं या कंबल जो होते हैं आपके, उसको देखो दो सिचुएशन होती है। एक तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो रेगुलर रूप से धोते रहते हैं, जैसे 5-6 दिनों के अंदर, तो उनके ज्यादा समस्या नहीं आती, उनको आप आराम से झड़काओ या वॉश आउट कर दो तो आराम से हो जाते हैं। एक दूसरे तरीके प्रकार के बंदे आते हैं, वो क्या 8-9 महीनों से है ना, जो कंबल वगैरह होते हैं, गुदड़े वगैरह होते हैं, धोए हुए नहीं होते, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। एक जना तो उस गुदड़े को पकड़ता है, दूसरे के हाथ में लाठी होती है और उसको धमाधम ठोकते हैं। तो जैसे ही उस लाठी से उसको ठोकोगे या उसको जोर जोर से झड़काओगे, उसमें से धूल मिट्टी के क्या निकलते हैं? कण बाहर निकलते हैं। कंबल को झड़काने पर धूल मिट्टी के कण का बाहर निकलना किस नियम पे आधारित है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम पे आधारित है। क्यों? जब तक वो धूल मिट्टी के कण उस कंबल के अंदर थे, किस अवस्था में थे? स्थिर अवस्था में थे। जैसे ही आपने बाह्य बल लगाया, उसको ठोका या झड़काया, उसमें से वो धूल मिट्टी के कण बाहर आ गए, तो ये किस नियम पे आधारित हो गया? ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम पे आधारित हो गया। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी कंबल को झड़काने पर उसमें से धूल मिट्टी के कणों का बाहर निकलना किस नियम पे आधारित है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम पे आधारित है। ये तीसरा एग्जाम्पल आपका हो गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चौथा एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है बिल्कुल। कैसे? अगर मान लो आप सभी ने कभी बचपन के अंदर चोरी की हो, सभी ने करी होगी। अब चोरी कैसे?
ऐसी वाली चोरी नहीं, पैसे टोकोगी, चोरी होती है आपके पास, मान लो आप ना पेड़ के अंदर, पेड़ के ऊपर अमरूद लगे हुए होते हैं, आम लगे हुए होते हैं, या ना जो आपके पास अनार होती है वो लगी हुई होती है, वो चोरी होगी किसी के घर में से, बिल्कुल। देखो सभी ने किए होंगे बचपन में ऐसे काम, तो अगर आपने पेड़ पे से फल चुराए होंगे तो विशिष्ट तकनीक अपनाई होगी। क्या तकनीक अपनाई होगी? या तो आप उस पेड़ की डालियों को हिलाते हो, उससे फल बाहर निकलते हैं या पत्ते नीचे आ जाते हैं, और आपके पास या दूसरी तकनीक, अगर उससे काम नहीं चलता तो लेते हैं एक पत्थर और उस पत्थर से उसके ऊपर वार करते हैं सीधा, तो पत्थर से पेड़ के ऊपर मारते हैं तो फल फल फूल आके नीचे गिर जाते हैं। दोनों ही आपके पास प्रथम नियम पे आधारित है। कैसे? अगर मान लो आप जब तक वो फूल पत्ती या फल उस पेड़ के ऊपर थे, किस अवस्था में थे? गतिशील अवस्था में थे या स्थिर अवस्था में थे? स्थिर अवस्था में थे। अब आप क्या करोगे? उसके ऊपर उसको डालियों को झड़काओगे, तो क्या आप बाह्य बल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? अरे बिल्कुल लगा रहे हो। तो बाह्य बल लगाने से क्या वो फूल पत्ते वो नीचे आके गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? बिल्कुल गिरेंगे। तो किस घटना पे आधारित होगी ये? न्यूटन की गति के प्रथम नियम पे। अगर आप बाह्य बल लगाओगे तो वस्तु की स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मान लो आप पेड़ की डालियों को हिला रहे हो और फिर फूल पत्ते निकल रहे हैं तो प्रथम नियम पे, लेकिन अगर पका हुआ फल गिर रहा है, पका हुआ फल अपने आप गिरता है, किस घटना के कारण? वो ग्रेविटेशन के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पके हुए फल का गिरना किस नियम के कारण होता है? वो आपके पास गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कि वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पका हुआ फल तो अपने आप गिरता है। तो ये भी एक बेसिक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल आपका, आपके एक चीज है, गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग किस सिद्धांत के आधार पर करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो, सीट बेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? देखो भाई क्या होता है कि मान लो सीट बेल्ट नहीं हो और आपको अचानक से ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको आगे की ओर झटका लगता है कि नहीं लगता? अरे जैसे ही अचानक से स्पीड के अंदर चल रहे हो और आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको आगे की ओर झटका लगेगा ब्रेक लगाते। तो उससे बचने का उपाय क्या होता है? सीट बेल्ट लगाओ। और अगर मान लो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको आगे की ओर अचानक से क्या लगेगा? झटका लगेगा। वो किस नियम पे आधारित होगा? प्रथम नियम पे। तो उसका उपचार क्या है? आप सीट बेल्ट लगा लो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग किस नियम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। क्योंकि अगर ऐसा अपन नहीं करेंगे तो आपके पास क्या होगा? तो आपको आगे की ओर लगेगा झटका। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना होता है। एक और आपने देखा होगा, धोबी जो होता है वो कपड़ों को कैसे धोता है? धोबी हमेशा कपड़ों को पटक पटक कर धोता है। जैसे क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही वो धोबी पटक पटक के कपड़ों को धोता है उसमें से मैल के कण क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो जब तक वो मैल के कण उस कपड़े के अंदर थे, किस अवस्था के अंदर थे? स्थिर अवस्था के अंदर। जैसे ही वो मैल के कण बाहर निकल गए तो आपके पास वो किस में आ गए? गतिशील अवस्था में आ गए, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो ये किस नियम पे आधारित होगा? आपके पास प्रथम नियम पे। तो ये आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम पूरा का पूरा क्या हुआ? समाप्त। क्या कहता है प्रथम नियम? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। और आपके पास इस नियम का, इस नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है? इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन को ध्यान रखना है, और सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए वो भी आप अच्छे से ध्यान रखना। ये आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। इसके बाद में फ्रेंड्स देखो क्या है, इसके बाद में न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको पढ़ना है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब देखो द्वितीय नियम क्या होता है, बहुत ही अच्छा है ये, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा एक बार इसका। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर
आरोपित बाह्य बल के समानुपाती। देखिए, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। अब इसके अंदर यह नियम कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, एक एक करके वर्ड लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग, सबसे पहले यह संवेग नाम की चीज क्या होती है, तो इस संवेग नाम की चीज को पढ़ते हैं। संवेग क्या होता है, चलिए तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा यह संवेग क्या होता है। पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संवेग की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, वो v वेग से गति कर रही है। तो m द्रव्यमान की वस्तु और v वेग से क्या कर रही है, वो गति। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, तो संवेग क्या होता है आपके पास, संवेग हो जाएगा द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का जो वेग है उसका गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ये परिभाषा डायरेक्ट पूछी गई है पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। यहां से संवेग को पी से दर्शाएंगे, द्रव्यमान को एम से दर्शाएंगे, वेग को वी से दर्शाएंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, पी बराबर एम वी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पी बराबर एम वी। अब देखिए फ्रेंड्स, पी बराबर एम वी, अब यहां से अपन संवेग का मात्रक लिखेंगे। आपको अगर कोई संवेग की परिभाषा पूछ ले तो क्या बोलोगे, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग। यहां से मात्रक अगर मैं बात करूं संवेग की, तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का तो हो जाएगा किलो, वेग का क्या हो जाएगा, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का तो हो जाएगा किलोग्राम और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यह आपका संवेग का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो अभी अपन ने सिर्फ संवेग की परिभाषा पढ़ी है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या हो जाएगा, आपका संवेग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखते हैं इस नियम के अंदर क्या है। पहले आपको क्या ध्यान रखना है, नियम में क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब ये संवेग वर्ड के बारे में मैंने पढ़ लिया है, इसके आगे अपन देखते हैं। तो इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा, लिखा हुआ है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए, वस्तु का संवेग, संवेग पी से दर्शाते हैं, आज से ध्यान रखना, परिवर्तन को इस त्रिभुज के चिन्ह से दर्शाते हैं, डेल्टा से। परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा शब्द से दर्शा, डेल्टा चिन्ह से दर्शाते हैं। अब संवेग में परिवर्तन किसके साथ होगा, समय के साथ होगा। तो संवेग में परिवर्तन, ये समय के साथ होगा परिवर्तन। अब किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, बाह्य बल के समानुपाती होती है। एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, बाह्य बल के समानुपाती होती है। अब ये आपका न्यूटन की गति का कहलाता है दूसरा नियम। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती। अगर आप इस रिलेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से एक फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला क्या आएगा, एफ बराबर एम ए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक फॉर्मूला आएगा आपके पास, एफ बराबर एम ए। आपको कैसे आता है ये ध्यान नहीं रखना है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ बराबर एम ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। F बराबर ma का मतलब क्या हो गया, F तो होता है बल, m क्या होता है आपका द्रव्यमान, और a क्या होता है आपका त्वरण। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं कई एग्जाम्स में, ये तो बल होता है, ये द्रव्यमान होता है, और ये त्वरण होता है। तो बताओ ये बल का सूत्र आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। आपके कांस्टेबल पटवारी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किस सूत्र से आया है, ये इस न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आया है। इसीलिए बोला जाता है कि बल की परिभाषा तो हमें किससे मिलती है,
न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, और बल का सूत्र किससे मिलता है, बल का सूत्र मिलता है हमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के सेकंड लॉ से। तो बल का सूत्र आपको किससे मिलता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, और बल की परिभाषा किससे मिलती है हमें, फर्स्ट नियम से मिलती है। तो ये आपके न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। चलिए मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। मान लो दूसरा नियम क्या था, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। यहां से हमने संवेग की परिभाषा देखी, संवेग बराबर होगा द्रव्यमान इंटू वेग, पी बराबर एमवी, मात्रक क्या होगा यहां से किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और उसके बाद में मैंने आपको नियम बता दिया, नियम क्या हो गया यहां से, किस बल संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती आ रही है। तो यहां से बल का सूत्र निकल गया, बल बराबर क्या निकल गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण, एफ बराबर एम ए निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड लॉ आपका क्या हुआ, समाप्त। अब देखिए इसके उदाहरण आते हैं, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के उदाहरण आते हैं, और वो उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है। सबसे पहला एग्जाम्पल मान लो, पहला एग्जाम्पल है कि एक कठोर जो आपके कराटे का खिलाड़ी होता है, वो एक कांच की सिल्ली, एक बर्फ की सिल्ली या फिर एक ईंट को एक झटके से तोड़ देता है, और अपन जो सामान्य मनुष्य है उसको नहीं तोड़ पाते। देखो इसमें तो कोई साइंस नहीं है, इसमें तो कोई प्रैक्टिस है, अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, लेकिन कराटे का खिलाड़ी जब भी एक बर्फ की सिल्ली या एक ईंट को तोड़ता है, बिल्कुल एक झटके से तोड़ता है, इसका क्या रीजन है भाई? वो धीरे धीरे क्यों नहीं लगाता, एक झटके से क्यों वार करता है उसके ऊपर, क्यों? उसके पीछे देखो ये रहा कारण, अगर वो समय कम लगाएगा, समय कम लगाएगा तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा। अरे वो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना, दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। अगर समय कम लगाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ईंट आपके पास आसानी से टूट जाएगी। तो इसीलिए ये जो कराटे के खिलाड़ी होते हैं वो एक झटके से वार करते हैं। बल का, समय का मान कम तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के दूसरे नियम पे आधारित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के अंदर एक घटना आती है, जो लेदर की बॉल होती है उसको कैच करने में आसानी होती है, टेनिस की बॉल को कैच करने में आसानी होती है। आप बताएं तो आप खुद सोचना कि एक लेदर की बॉल जो होती है उसको कैच करना कठिन होता है जो भाटे की बॉल होती है, और एक टेनिस की बॉल को कैच करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी संवेग का फॉर्मूला पढ़ा था, पी बराबर एम वी। देखो आपको रीजन नहीं जानना है, रीजन आपके नहीं आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है उदाहरण किस नियम का है। कट लेदर बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेदर बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो लेदर बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसीलिए उसका संवेग क्या होता है, ज्यादा होता है। लेदर बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होने से उसका संवेग ज्यादा होता है, और संवेग ज्यादा होगा तो बल का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपके हाथों को चोट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो लेदर बॉल कठोर होती है उसको आपके पास चोट ज्यादा लगती है उससे। टेनिस बॉल का द्रव्यमान कम होता है तो उसका संवेग भी कम होगा, और संवेग कम होगा तो बल का मान भी क्या लगेगा, कम लगेगा। आपको इतनी कहानी नहीं समझनी है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है एक कठोर लेदर बॉल को कैच करने में कठिनाई होती है, जबकि टेनिस बॉल को आसानी से कैच किया जा सकता है। अब देखो इसी के बाद क्रिकेट से संबंधित दूसरा उदाहरण क्या है, आपने देखा होगा जब भी एक फील्डर किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, बिल्कुल, क्यों खींचता है आपके पास अपने हाथों को पीछे की ओर, अपने हाथों को वो पीछे की ओर इसीलिए खींचता है ताकि समय का मान ज्यादा हो जाए। और अगर समय का मान ज्यादा हो जाएगा, समय का मान ज्यादा होने से बल का मान क्या लगेगा, कम लगेगा, और वो आसानी से कैच कर पाएगा। अपने हाथों को आपने देखा होगा पीछे की ओर खींचता है, क्यों? समय का मान ज्यादा हो जाए, और समय का मान ज्यादा होने से बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यह भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने, जो आपके पास न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित होते हैं। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपका समाप्त हुआ। क्या बोलता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम? न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है, यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, और यहां से आपके पास दो चीजें निकलती है, एक तो F बराबर, आपको ध्यान रखना संवेग की परिभाषा पिछली बार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछी गई है, द्रव्यमान इनटू वेग, मास इनटू वेलोसिटी, और एक निकलता है बल का फॉर्मूला, और वो होता है आपके पास F बराबर एम ए। तो यह आपके पास न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने
दो चीजें आज पढ़िए, पहला नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा है और न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा है, और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है वो मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है आपका, नोट करके अपन देखेंगे। सबसे पहला बल की परिभाषा, बल की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ फोर्स किससे मिलती है? तो बल की परिभाषा आपको मिलती है फर्स्ट लॉ से, प्रथम नियम से मिलती है। तो बल की परिभाषा किससे मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। एक बार वापस देखते हैं अपन। अगर मैं बोलूं बल की परिभाषा, तो बल की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा हमें मिलती है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलती है। और अगर मैं बात करूं कि बल का व्यंजक फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला कहां से मिलता है, तो बल का व्यंजक, बल का फॉर्मूला आपको मिलता है दूसरे नियम से, सेकंड लॉ से। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बल की परिभाषा तो हमें मिलती है प्रथम नियम से, क्योंकि बाह्य बल किसने दिया था सबसे पहले, वर्ड न्यूटन ने, और F बराबर MA कहां से निकला, दूसरे नियम से। तो बल का व्यंजक दूसरे नियम से निकलता है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि जड़त्व किसकी माप है, जड़त्व माप है किसकी आपके पास, इनर्शिया इज अ वर्च्यू ऑफ द्रव्यमान की, तो मास की, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी का जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो उतने ही अच्छे से क्या करेगा, विरोध। आज की क्लास के ये तीन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज फ्रेंड्स अपन ने न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा है और न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा है। इसकी अगली कक्षा के अंदर, अगली वीडियोस के अंदर अपन लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसका, जो होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई एग्जाम्स में आपके पास पूछा जाता है। उसके अंदर हम रॉकेट का कैसे होता है, रॉकेट संरक्षण, रॉकेट नोदन किस पे आधारित होता है, ये सब कहानियां पढ़ेंगे। वो अपन कब पढ़ेंगे, अगली वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स आपके पास छुट्टी का समय है, अभी कोरोना वायरस का प्रकोप है, आप सभी से निवेदन है कि अपने सुरक्षित रखिए, अपने घर को सैनिटाइज रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाहर निकलने से बचिए, और घर बैठे ऑनलाइन कक्षा का लाभ उठाएं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगली वीडियो के अंदर हम गति पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।